हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे बाटू केव टेंपल व्हिच इज़ इन मलेशिया। और ये जो टेंपल है, दिस इज तमिलियन हिंदू टेंपल इन मलेशिया। सो फर्स्ट लेट्स सी द टेंपल एंड देन मैं आपको बताती हूँ बाटू केव मंदिर के बारे में। दिस इज़ अ मुर्गन स्टैच्यू ऑन द एंट्रेंस ऑफ बाटू केव मंदिर एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंट्रेंस। एक्चुअली आप देखेंगे सीढ़ियाँ भी बहुत कलरफुल और ब्यूटिफुल कलर्स में है। इवन जो कारीगरी है एंट्रेंस की, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड कलरफुल। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, बाटू जो वर्ड है वो मलाय लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रॉक। एंड ये जो मंदिर है, दिस इज़ इनसाइड द केव, सो इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है बाटू केव टेम्पल। जो मुर्गन जो गॉड है, तमिलियन गॉड है, उनके लिए मेन है ये। बाटू केव टेम्पल जो है, दिस इज नोन एज द 10th केव और द हिल फॉर मुर्गन। मीन्स गाइज, जो मुर्गन गॉड है ना तमिलियन, वैसे हम सब जानते हैं कि वो बेटे थे शिव जी के। सो उन्होंने अपना बचपन जो है केव्स पर में और पहाड़ों पर बिताया है, इसीलिए उनके जो मोस्टली टेम्पल्स है वो सारे केव्स और पहाड़ों पर है, जिनमें से ये जो मलेशिया का बाटू केव है ये 10th नंबर पर आता है। बाटू केव मलेशिया में जो मंदिर है, ये वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही फेमस टेम्पल माना जाता है इन तमिलियन हिंदुइज्म मंदिर के रूप में। वन ऑफ द फेमस टेम्पल यू कैन से। हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि मुर्गन जो गॉड है उनके फेमस 6 टेम्पल्स जो है वो इंडिया में है, और 4 टेम्पल जो है वो मलेशिया में है, जिनमें से वन ऑफ दिस इज हियर बाटू केव। इस फेमस मंदिर में एंट्री फीस बिल्कुल भी नहीं है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो मंदिर है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलता है। तो इस ब्यूटीफुल मंदिर का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप यहाँ पर मॉर्निंग 7 to evening 7 कभी भी आ सकते हैं। ये केव्स के अंदर है, यहाँ की केव्स बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप इस मंदिर के जैसे जैसे पास आएंगे, आप वैसे वैसे भी देखेंगे तो आपको ये बहुत ब्यूटीफुल सी एंट्रेंस विद द मुर्गन स्टैचू आपको दिखेगी, और बहुत ही मेस्मराइजिंग केव्स आपको अंदर देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किसी बाहर के देश में जाकर हिंदुइज्म और तमिलियन कल्चर को मिक्स होते हुए देखना और फील करना। दिस टेम्पल इज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मलेशिया, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं, बिकॉज क्वालालंपुर जो मेन सिटी है वहाँ से ये टेम्पल ओनली 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और यहाँ की केव्स लोग देखने आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर बाटू केव टेम्पल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और डिटेल्स अच्छी लगी होंगी, और आप भी ज़रूर आकर देखना चाहेंगे ये टेम्पल इन मलेशिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और देखना हो, जानना हो, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वहाँ लेकर जा सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।